तो वहीं 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान के लिए मतदान टीमें रवाना होनी शुरू हो गई हैं। टीमें में मतदान कार्मिक, सुरक्षा कर्मी, फोटोग्राफर, सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक जनरल मजिस्ट्रेट शामिल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि 12 पोलिंग टीमें जनपदों से रवाना हो गई हैं। राज्य में शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान केंद्र के लिए 65 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। जैसा आप विदित है, उत्तराखंड फर्स्ट फेज में है। उत्तराखंड के साथ साथ 21 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। तो 19 तारीख को चुनाव के लिए कुछ दुरस्त एरियाज में हमारा बूथ है। उदाहरणार्थ पिथौरागढ़ जिले में एक बूथ और उत्तरकाशी जिले में 11 बूथ। सो ये 12 बूथ के लिए पार्टियां आज रवाना हो गया है, जनपद से प्रस्थान हो गया है और ये पहुंच जाएगी कल 18 तारीख की शाम तक वहां पर पहुंच जाएंगे, तो 19 से वहां पर शुरू हो जाएगी। कल हमारा लगभग 700 पार्टियां कल रवाना होगी बूथों के लिए और 18 तारीख को लगभग 11,000 पार्टियां 18 तारीख को रवाना होगी। सो 19 तारीख से हमारा चुनाव के लिए हमने लगभग 65 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स का तैनाती किया है और उम्मीद है कि चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न होगा।